राम राम, जय श्री राम। बाबा सादगी चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले मैं आप सभी मित्रों को हार्दिक आभारी हूँ कि आपने मुझे सब्सक्राइब किया और 1000 के पार पहुँचा दिया है। बहुत बहुत आभारी हूँ। और आज मैं पहुँचा हूँ देहरादून। यहाँ है उत्तराखंड में भू कानून की मांग को लेके आंदोलन, और मिलेंगे हम उत्तराखंड के CM धामी साहब से। अभी सभी आंदोलनकारी पूछ कर रहे हैं उत्तराखंड के CM धामी जी के निवास की ओर। दीदी शकुंतला रावत जी, आप देख सकते हैं उत्तराखंडियों का जोश और उनकी एकता। उत्तराखंड हमें सिर्फ राज्य मिला है, जो हमने सोचा था वो हमें अभी तक नहीं मिला है। बहुत शांति के साथ हम मार्च कर रहे हैं। चाहिए भू कानून, मूल निवास और भू कानून जो हमारा हक है, गई है। हमारी दीदी का स्वास्थ्य खराब हो गया, तबियत खराब हो गई है, क्योंकि बहुत उम्र हो गई है उनकी। नहीं है, मूल निवास और भू कानून लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। मूल निवास 1950 और धारा 171 लागू करने के लिए किया जा रहा है। जोश है, जोश। हमारे उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के नागरिकों को सरकारी नौकरी दी जा रही है, और हमारे उत्तराखंडियों को बेरोजगार किया जा रहा है। उसके लिए भी ये आंदोलन है, अपने हक के लिए। देहरादून भी देखिए आप। बहुत क्राउड है, और अभी पहुंचेंगे CM धामी के आवास स्थान पर। मुख्यमंत्री आवास की ओर I'm
इंद्रदेव भी मेहरबान हैं, उन्होंने सूर्यदेव को ढका हुआ है। महासागर होना चाहिए, शिव सागर बन के रह गया है। और इसके आगे आंदोलनकारियों को जाने की इजाज़त नहीं है। पहली बाधा क्रॉस कर दी है, अब दूसरी बाधा की ओर आंदोलनकारी, युवा आंदोलनकारी चढ़ गए हैं बैरिकेड्स के ऊपर। शक्ति के लिए जहाँ मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम में आते हैं और यहाँ मुख्यमंत्री और देश की भाजपा सरकार अभी बड़े इंडियन सरकार है और युवा सरकार है, इसको मान कर रहे हैं कि हमारे अधिकार हमें दिए जाए। और अनुशासन में रहते हुए बैरिकेड पे कब्जा किया हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लोगों को आरक्षण नहीं मिला है। उत्तराखंड मांगे। मित्रों धन्यवाद। जय श्री राम, जय देवी उत्तराखंड, भारत माता की जय। जय हिंद।